पीछे कुतुब मीनार दिख रहा होगा आप लोगों को। और कर दिए प्रियंका, देख सकते हैं यहाँ एक प्लास्टिक में पूरा साड़ी भरा हुआ है और इसमें भी साड़ी है। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सुमित करती आप सब बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं जी फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने खाना यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ मैंने खाना रेडी कर दिया है। यहाँ पर दाल चावल और यहाँ सब्जी है, आलू सोयाबीन का सब्जी मैंने आज बनाया है। तो अभी हम लोग खाना खा लेंगे, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करम पूजा आ चुका है, आप लोग सुने ही होंगे, जो कि झारखंड का बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल माना जाता है, त्यौहार जो करमा है। है। तो मेरा ये शादी के बाद का पहला कर्मा है, तो नियम बनता है मेरा कि मैं अपने मायके में ही पहला कर्मा करूँ। शेयर करूँगी कि कर्मा पूजा के लिए मैंने कुछ साड़ी लिया हुआ है, तो वो सारे जो साड़ियाँ हैं, मतलब साड़ी के कलेक्शन मैं आपसे शेयर करूँगी आज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। हम लोग खाना खा लिए हैं, तो अब हम लोग घर जाने की तैयारी करते हैं। जी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपना साड़ी का कलेक्शन, जो कि मैंने स्पेशली फॉर कर्मा पूजा के लिए लिया है। यह देखिए, दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये साड़ी कुछ इस टाइप से है, सामने करिए। ये है पहला साड़ी जो कि कौन, बंगाली बनारसी, ये सब बनारसी साड़ी है। हाँ, तो हम लोग मेला गए थे तो मेला से ही जो यहाँ रांची में ट्रेड फेयर लगा हुआ था ना, जिसका ब्लॉग हम लोग डाले हैं, वीडियो देख सकते हैं, जाके एक बार विजिट करिए चैनल में, आपको मिल जाएगा ट्रेड फेयर का वीडियो। आप वहीं पे हम लोग इसे लिए हैं, इन साड़ियों का इस टाइप से इसका डिज़ाइन है। और जब हम इसे इस टाइप से खोलते हैं तो मतलब पूरा इसी टाइप का पूरा डिज़ाइन है साड़ी में, पूरा वर्क किया हुआ है और बहुत ही सुंदर सा एक अलग ही टाइप का कलर आता है इसमें। ये देखिए, मैं इस ऑरेंज साड़ी को मैं दिखाती हूँ कि इसका डिज़ाइन किस टाइप का है। और तीज वाला, तीज में जो परचेज की थी वो दूसरा था और ये येलो कलर में था और ये दूसरा है। ये ऑरेंज ही, वो येलो था। इसका डिज़ाइन इस टाइप से है, हाँ है ना, तो उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग था, प्लेन में था वो। तो ये देखिए, ये साड़ी कुछ इस टाइप से है इसका डिज़ाइन। आगे ये देखिए, बताइएगा। तो अब निकालिए पूरा खजाना। अब ये है ग्रीन साड़ी जो कि स्पेशली फॉर कर्मा, इसमें गोल्डन कलर का लेस लगा हुआ है और पूरा मतलब ग्रीन कलर की साड़ी है ये। लेस बोलते हैं इसको कि हाँ, लेज बोलते हैं। लेस, लेज होने से तो खाने वाला हो जाएगा, लेस खाने वाला लेस। क्योंकि मैं फोल्ड कर रही हूँ, अब बारी है इस वाली साड़ी की जो कि चॉकलेट कलर में है। इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है। ये देखिए नीचे गोल्डन कलर से ही, मुझे गोल्डन कलर बहुत पसंद है, चॉकलेटी कलर है। हाँ, चॉकलेट। ये देखिए अंदर से इसका, रुकिए मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये साड़ी कुछ इस टाइप से है, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग। और इस ब्लाउज पीस है कि नहीं? नहीं है इसमें, नहीं ना, नहीं, लेकिन बहुत सुंदर इसका और कलर लगा। इसके अंदर में इस टाइप का है, ये देखिए देखिए पूरा चॉकलेट चॉकलेट, एक नंबर लग रहा है। अब सर साड़ी का तो दुकान लग गया। एक और साड़ी बच गया है, एक ही है कि और है? एक और है, चुपके से बोल रही है, एक, एक और है, और है। कर ये रेड कलर का, मतलब रेड और ऑरेंज मिक्स है, इसका बॉर्डर जो है वो रेड है और बाकी ऑरेंज। ये भी काफी खूबसूरत है, इस टाइप की साड़ी है। दिया हुआ है, कैसा लग रहा है ये साड़ी? लास्ट में ये बताइए कि इनमें से सबसे अच्छा साड़ी कौन सा लग रहा है? जी हाँ, मतलब इतने सारे साड़ी का कलेक्शन में सबसे सुंदर कौन सा है? इसे मैं फोल्ड करती हूँ, लाइए इसे भी अब मैं साइड करते हैं। बस लास्ट एक साड़ी बचा हुआ है जो कि ये है, ब्लू कलर में है जो, ये देखिए, इसे मैं अब पूरा खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए,
इस टाइप की साड़ी है ये। इनमें से कौन सा साड़ी आपको अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब मैं सारी साड़ियों को वापस से रख देती हूँ। उसके बाद चलिए हम लोग घर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। जैसे कि देख सकते हो वो अभी रूम लॉक कर रहे हैं, तो अब हम लोग निकलेंगे। बैग वगैरह भी पैक हो गया है उधर, और इधर हम लोग अपना बाइक भी निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं घर। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं जैसे कि देख सकते हैं रास्ते में, और इधर का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, और चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली देखने को मिलेगा। और ये अभी है, और अभी हम लोग बस कुछ ही मतलब रास्ते में ही है, तो अभी हम लोग फटाक से पहुँचते हैं घर। भी हम लोग इस होटल से मिठाई ले रहे हैं, उसके बाद लेके चलेंगे घर। में कितने सारे गाय, अभी अभी शाम का टाइम है और ये लोग घास खा के आ रही है।